मेरा नाम दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे क्रिएटर का मुझे डेली डीएम आता है कि सर मैं मेरे पेज को आपके जैसा प्रोफाइल पेज पे कैसे चेंज करो, आपके पेज जैसे न्यू पेज डिजाइन लेआउट के तहत न्यू पेज प्रोफाइल के जैसा दिखने के लिए मिलता है, वो हम कैसे चेंज करें। आपने पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाए थे और वो वीडियो का जो लिंक है वो आज के डेट पे काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने साफ साफ लास्ट काफ़ी वीडियोस पे बता दिया था कि वो लिंक अभी फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है, तो उस लिंक के थ्रू आप आपके पेज को प्रोफाइल पेज पे चेंज नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जब मेरे पेज को प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट किया था तो मैंने वो भी दिखाया था, मेरे ही और एक पेज था जो मैंने ट्राई किया मगर वो प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो ये पेज प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट नहीं हुआ था और मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, जब भी फेसबुक आपको प्रोफाइल पेज कन्वर्ट करने का नोटिफिकेशन देगा तभी आप खुद से उस पेज को क्लासिक से प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी काफ़ी दिन गुजर गया, मुझे खुद नहीं आया कोई भी नोटिफिकेशन फेसबुक के तरफ से इस पेज को प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वजह से मैं भी सोचा कि मैं अब क्या करूँ, और फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरा ये क्लासिक पेज जो क्लासिक लुक पे है वो प्रोफाइल पेज पे आखिर क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब मैंने बाकी पेजों को मेरे कोड से कर लिया था तो ये पेज क्यों रह गया, ये पेज क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आज थोड़ा सा एनालिसिस किया और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे ये क्लासिक पेज को भी प्रोफाइल पेज के जैसा बनाने के लिए। तो उस पे मैं क्या क्या चीज़ करने वाला हूँ जो आगे चल के आपको हेल्प करेगा आपके पेज को प्रोफाइल पेज कन्वर्ट करने में, वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जब ऑब्जर्व किया इस पेज को तो मैंने देखा कुछ कमियाँ इस पेज पे है, हो सकता है इन कमियों के वजह से फेसबुक मुझे अभी तक प्रोफाइल पेज बनाने के नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, या फिर ये भी हो सकता है जब लास्ट टाइम कोर्ट काम करते तहत मैंने दूसरे पेजों को प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट कर लिया था सक्सेसफुली, इस पेज पे नहीं कर पाया। तो वो कमी क्या है सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मोर पे क्लिक करूँगा और अबाउट वाला जो पार्ट है उस पर आप लोगों को लेके जाऊँगा इस क्लासिक मोड वाला पेज का। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मैंने देखा कि मैंने इस पेज के जो कैटेगरी है वो तीन चूज किया है, एक गेम एंड टॉय, एक टॉय शॉप एंड आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप। ये तीन कैटेगरी में मैंने मेरे पेज को डिवाइड किया था, कैटेगरी सेट किया था। अब जब मैंने फेसबुक के जो न्यू पेज एक्सपीरियंस कैटेगरी है, मतलब जिस पेज को फेसबुक अभी फिलहाल न्यू पेज एक्सपीरियंस मतलब प्रोफाइल पेज का कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा है, वो कैटेगरी में मैंने जो कैटेगरी चूज करके रखा था इस क्लासिक मोड पे इस पेज के लिए, वो एक भी कैटेगरी मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हुआ कि हो सकता है क्योंकि मैंने जो कैटेगरी चूज किया वो फेसबुक के जो अभी न्यू डेवलपमेंट अपडेट है न्यू पेज एक्सपीरियंस कैटेगरी वाले का, उस पे नहीं है। हो सकता है इसी के वजह से मेरा जो ये पेज है वो रह गया, ये पेज फेसबुक ने प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट नहीं किया, या फिर मुझे अभी तक कोई फेसबुक से प्रोफाइल पेज कन्वर्ट करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये मेरा एक एजम्पशन है, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पेज के कैटेगरी जो सेट करके रखे होंगे वो कैटेगरी हो सकता है कि फेसबुक के न्यू पेज एक्सपीरियंस कैटेगरी में जो जो पेज को फेसबुक अभी कन्वर्ट करने वाला है उस लिस्ट पे नहीं आता है। तो ये पूरा लिस्ट जितने भी नेम हैं वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आप लोग वेरीफाई कर पाओ और आपके हिसाब से जो भी आपको इन कैटेगरी में से ठीक लगे उसको आप आपके क्लासिक मोड पे जाके कैटेगरी में एडिट कर पाओ। तो फिलहाल मैं भी एडिट करूंगा, ये सब हटा दूंगा और मुझे मेरे पेज से मिलते जुलते जो भी कैटेगरी सही लगेगा इस वाले पार्ट से वही मैं उठाऊंगा और अपने पेज को एडिट करूंगा। और उसके बाद थोड़ी देर वेट करूंगा, देखूंगा कि फेसबुक का जो नोटिफिकेशन है न्यू पेज एक्सपीरियंस वाला वो आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो मैं कन्वर्ट कर लूंगा, अगर नहीं आया तो मुझे और एक डाउट होगा
कि हाँ मैंने पहले कैटेगरी कुछ और रखा था जो इस न्यू पेज एक्सपीरियंस कैटेगरी में नहीं आता है, हालांकि मैंने अभी तो चेंज कर दिया है, मगर हो सकता है फेसबुक ने उसको ट्रैक करके रखा है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। तो उस केस पे मैं क्या करूँगा, इसी क्लासिक मोड वाला पेज का जो यूज़र नेम है उसको एडिट करूँगा, जो पेज नेम है उसको एडिट करने की कोशिश करूँगा, ताकि फेसबुक को एक सिग्नल जाए ये पेज नया नया रेडी हुआ है और ये पेज जो है इन्हीं कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी का पेज है। तो हो सकता है फेसबुक के एल्गोरिदम मुझे वो नोटिफिकेशन जो के पेज को प्रोफाइल पे कन्वर्ट करने के लिए भेजता है, जिस पे गेट स्टार्टेड करके हम हमारे पेज का जो लुक है उसको चेंज कर पाते हैं, वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग भी इन सेटिंग को कर लो अपने पेज पे और वेट करो, और क्या रिजल्ट आता है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।